अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। वेलकम बैक अब्दुल्ला भाई को आज हम नचाएंगे, डांस कराएंगे पुदीना वाले गाने पे, ठीक है। अभी जामनूरा से हम निकल रहे हैं घर के तरफ। अब्दुल्ला भाई को आज छुट्टी है, देखो कैसे बैठा है ये। अभी शुरू हो रहा है तो भैया अभी जा रहा हूँ रूम पे। जाने से पहले जाएंगे पेट्रोल पंप, गाड़ी के टायर में हवा कम है, थोड़ा हवा चेक करा लेंगे, उसके बाद रूम पे जाएंगे। जाने के बाद कुकिंग करेंगे आज आज बनाएंगे हम सालन में, आज बनाएंगे सॉरी चिकन का लीवर बनाएंगे। आज बकाला जाके वहाँ से लीवर लेकर के इंशाल्लाह कुकिंग करेंगे जल्दी और खाना खाएंगे। रात में मैंने डिनर नहीं खाया, बस लेटा हुआ था, मेरे को ऐसे ही नींद लग गया। आधा कलाम टिशू अब्दुल्ला भाई आज बहुत गुस्से में था, क्योंकि ये नहीं चाहता कि इसको मंगल के दिन छुट्टी रहता है, तो इसका बहन जो है जामा को जाता है ना, तो ये बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि नींद से जाग के इसको छोड़ के आना पड़ता है ना इसकी वजह से। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर के साइड में। मैं आज ये दूसरी वाली डायरी पकड़ के जा रहा हूँ, जिसको बोलते हैं शर्की डायरी, जिधर अलराजी मस्जिद है। ये सामने आपको अलराजी मस्जिद नज़र आएगी। थोड़ा सा मैंने वाइट रखा है कैमरे को ताकि अच्छा दिख सके। अभी मैं हूँ अल-असम मॉल, लेश मई चेता ही ना अल-असम मॉल, शाबाश बजिया अल-असम मॉल इतने ही जी वो ना था अब्दुल्लाह लोते हैं उसे वो कसर और जलाते लेश अंतमा फिर अब्दुल्लाह लोते हैं अंडी हफल में तो है आज बकरा खमस हादा सादा फिर हफला अकरान। ओके माशाल्लाह, ये क्या है भाई? ये सब बिकता है, ये है चिकन की किडनी और ये है चिकन की कलेजी, लेकिन ये कश्ती से ही नहीं है, अंदर से निकालेंगे। और इसको बोलते हैं पता नहीं क्या बोलते हैं, शंगदाना बोलते हैं क्या। और हमको लेना है दही, हमने रोटी दही और कलेजी और आधा वॉइस मियाँ है कुछ दे दियो। मैं लिया हूँ लीवर, मुर्गी का लीवर, ठीक है। ये बहुत लोग बोलते हैं नहीं खाना चाहिए, लेकिन सेल होता है सऊदी अरब में, क्यों होता है, फालतू में ऐसे ही होता है, लोग खाते हैं ना भाई, इसीलिए होता है। अच्छा बनाने में अच्छा, यानी कि अच्छा बनाना चाहिए, वैसे ये फ्रेश में खा लेंगे तो अच्छा रहता है, इसको ज़्यादा टाइम रख के खाना वो अच्छा नहीं है, वो गैसेस बनाता है, समझे। जिस टाइम गरम गरम बनाओ यानी उसको एक दिन में ख़त्म कर दो,
सुबह बनाओ शाम तक उसको ख़त्म कर दो तो अच्छा रहता है। ज़्यादा टाइम रख के खाएंगे तो फिर मसला बनाएगा वो। अभी मैं जा रहा हूँ घर पे जल्दी जल्दी, पेट्रोल पंप पे नहीं गया हूँ हवा चेक कराने के लिए, बाद में कराऊँगा। फिलहाल अभी रूम पे जा कर के जल्दी जल्दी तैयारी करता हूँ, जो भी है सब कुछ धो धुला के उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस तरह से इसको कुकिंग कर रहा हूँ, चिकन के लीवर्स को, यानी कलेजी, देसी भाषा में कलेजी। तो भैया चिकन लीवर बनाने के लिए हमने चिकन लीवर ले लिया है, इसको अच्छे से धोना है, ठीक है। और इसमें हम डालेंगे दही, हरी मिर्च, नींबू, प्याज, अदरक लहसुन पेस्ट और थोड़ा सा लहसुन, हरा धनिया, थोड़े खड़े मसाले और टमाटर, तब जा कर के टेस्टी अच्छा बनता है, ठीक है। इसको बनाने का तरीका अच्छा होना चाहिए तब जा कर के बनता है। इसमें और हम डालेंगे तेल और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, बस। चलिए बनाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं शाहिर भाई सऊदी अरब में आप कुकिंग का वीडियो बनाया करो, कुकिंग बताया करो कि आप कैसा बनाते हो। तो मैं बना रहा हूँ कुकिंग का वीडियो, देख सकते हैं आप। सऊदी अरब में मैं इंडियन फूड बना रहा हूँ। इंडिया में ऐसे बनाते हैं हम कलेजी, इसीलिए मैं आप लोगों को बना के बता रहा हूँ। दही उतना नहीं डालना चाहिए जितना मैं बताया हूँ, ठीक है, आपके हिसाब से डालना चाहिए। अभी हम इसमें डालेंगे प्याज और ये कुछ खड़े मसाले भी डाल देंगे इसमें, आपके स्टाइल से आप बना सकते हैं भाई। मैं अपने स्टाइल से बता रहा हूँ, बस आप लोग अपने स्टाइल से बनाओ, बस टेस्ट में अच्छा होना चाहिए। थोड़ा सा फ्राई किया हूँ मैं, इसमें फिर डाल रहा हूँ अभी अदरक लहसुन पेस्ट और जो लहसुन मैंने काटा हुआ है। लहसुन बहुत काम की चीज़ है, लहसुन ज़्यादा इस्तेमाल करते रहो अपनी ज़िंदगी में, आपके जिस्म में चर्बी को टिकने नहीं देता, जो फैट होता है ना उसको टिकने नहीं देता है। हम इसको फ्राई कर लेंगे अच्छे से। सऊदी अरब में क्या है, सऊदी में जो मंदी बनाते हैं ज़्यादातर, मंदी में बड़े बड़े ऊँट और जो शीप्स होती है उसका जो चर्बी होता है ना ज़्यादा खा जाते हैं लोग, क्योंकि जब वो चावल में खपसे के ऊपर रखते चर्बी का पूरा तेल चावल में मिक्स हो जाता है, वो खाने से भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है। अभी मैं डाल रहा हूँ इसमें हरी मिर्च और टमाटर, यहाँ पर सूडानी लोग बना के देते हैं किब्दा, आपने देखा होगा किब्दा बोलते हैं वो लोग, इसी तरह से बनाते हैं, लेकिन उसमें हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर नहीं होता, हल्दी नहीं होता है उसमें, नमक ज़्यादा नहीं होता है। अभी मैंने इसमें डाल दिया है किब्दा, फिर हम डालेंगे इसमें नमक, अभी हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, अभी डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। ये बहुत तेज़ है भाई, ये महाराष्ट्र धर्माबाद की मिर्ची है, ये जो लोग महाराष्ट्र नांदेड़ के करीब रहते हैं इंडिया में उनको पता चलेगा ये मिर्ची के बारे में। और अभी योगर्ट, अभी इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और इसमें पानी डाल के इसको थोड़ा सा गलाना है। तो भैया हरा धनिया फेंक के मारेंगे इसमें, हरा धनिया के बिना कोई सालन नहीं बनता यार। अभी हम इसमें निचोड़ देंगे नींबू का रस, ये आ गया फ्रेश नींबू का रस, ताकि इसका जो टेस्ट है ना उसमें थोड़ा सा खटास आए। इसमें ऑलरेडी पानी है, फिर भी थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसको अच्छे से गलने के लिए रखेंगे। जैसे ये गल जाएगा उसके बाद आप थोड़ा सा नमक टेस्ट करके जो है आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। माशाल्लाह 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 भाई, सफ़ेद चावल और ये बन गए हमारे चिकन, मटन की कलेजी, मटन की नहीं, चिकन की कलेजी और ब्राउन रोटी खुबस। और ये हमारे फहद भाई और ये हमारे अफरोज भाई और ये हमारे खलायक अजीम भाई। यल्ला बिस्मिल्लाह करो। माशाल्लाह भाई, खाना वाना खाने के बाद चाय वाय बन गई है। तो भैया ड्यूटी तो नहीं लगी और मैं आ गया हूँ वादी नमार डैम के पास, ये आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में, ठीक है। ये वादी नमार डैम है, रूम के पीछे ही एकदम मेरा रूम जो है, इधर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो है, और ये मस्जिद है जहाँ हम नमाज़ पढ़ते हैं वादी नमार, और ये है डैम, ये देख सकते हैं।
लास्ट टाइम मैं एक बार एक कैनाल का वीडियो बना के डाला था, तो वो यही पानी है जो जाता है। ठीक है, ये अलहायर लेक जो है ना, अलहायर लेक वहाँ तक जाता है। और अलराजी कबीले का जो घर है वो सब ये वो पहाड़ के ऊपर साइड में है। उधर से भी एक वादी है अंदर से, और सलाम मॉल जो है इधर आगे है, और सिटी मॉल जो है इधर आगे है। और अभी मगरिब का टाइम है, कोई चाचा जो है डैम के ऊपर पैदल पैदल चल रहा है, जा सकते हैं वहाँ पे। आज खमीस के दिन नहीं जा सकते, खमीस यानी जुमेरात के दिन। और मैं देखो ऐसे चल रहा हूँ ऊपर पत्थरों पे। जब मैं नया नया आया था तो ये सब कुछ नहीं था, ये बाद में सब बनाया गया है, बस ये पहाड़ी था ये सब। मैं इधर बहुत घूमता था पहले, इधर दिल्ली साइड के कुछ लड़के थे, इधर बिल्डिंगों का काम चल रहा था, वो लोग जब तक वो काम चला वो यहीं पर रहते थे, सहारनपुर दिल्ली साइड में। अभी कोई नहीं है इधर, देखो ऊपर साइड कोई नहीं है, सब जो है उधर ही नीचे जाते हैं खाली टाइम में। वैसे जुमेरात को और जुम्मा को यहाँ आपको पब्लिक नज़र आएगी, बहुत फ्री एंट्री है, 24 घंटे ओपन रहता है। अच्छा है ना, देखो ये आइलैंड बोलते हैं ना, आइलैंड उस तरह से कुछ है, जा नहीं सकते नीचे, मच्छी बहुत है इसके अंदर, लेकिन वो मच्छी काम की नहीं है, खा नहीं सकते। बस ड्यूटी नहीं लगा तो सोचा थोड़ा सा राउंड मार ले, चक्कर लगा ले, इधर बस आ गया हूँ ऐसे ही, देख रहे हो। अभी चलेंगे, मगरिब का भी टाइम हो रहा है, चलते हैं। कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला आए रे, उम्र का ये ताना वाना समझ ना पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे। उसके आगे का आता नहीं है। तो इस तरह की ढलान है, इधर नीचे एक साइड से पानी निकल के जाता है, वो वहाँ निकलता है। ये नीचे मजरा है, इसमें एक राजस्थानी भाई बहुत टाइम से काम करता है, बहुत टाइम से वो छुट्टी जाता है आता है और काम करता है इसमें। और मैं चल रहा हूँ इतने कोने से, अभी तो खैर सही हो गया है। ये है डैम, ये देखो ये यहाँ के जो आजू बाजू के जो घर वाले हैं उन्होंने ये बनवाया था यहाँ बैठने के लिए, लेकिन ये सब बंद कर दिया है बल्दिया वालों ने, ये लगा दिया यहाँ पे। वैसे यहाँ है कुछ नहीं है, नीचे घर के जैसा लग रहा है, लेकिन इन्होंने बनवाया था ये सिर्फ बैठने के लिए। ये देखो यहाँ से बड़ा प्यारा नज़ारा है, ये एक साइड से पानी निकल के जाता है बस, ये घर नहीं है, सिर्फ बनवाया ये लोगों ने इस तरह से।